चौथे चरण का जो मतदान होना है 23 तारीख को, उसी के सिलसिले को लेकर आज हम लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा के सिकंदराबाद कस्बे में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या जो चुनाव आने वाला है, जो आगे चल के जो 10 मार्च को जो मतगणना, उसी में क्या समीकरण आने वाले, कौन किसका चेहरा है, लोगों को पसंद है, आइए बिल्कुल बात करते हैं इन लोगों से। बार किसको वोट देंगे, क्या मन बनाया है? देखिए, हम हमेशा से भाजपा ही रहे और इस बार 2022 में हमने समाजवादी को जब लगाने का मन बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की सरकार में ये सांड जो छुटे हुए हैं, इनसे बहुत नुकसान हो रहा है। अब की बार सपा 305 नहीं तो सांड, ये क्या भाजपा ने छुड़वाया है? सब किसके सांड है? अरे सांड भाजपा ही नहीं छुड़वाया, जब हमारा नहीं, इन पे क्या भाजपा की मोहर लगी है? अच्छा, आपको उम्मीद है कि सपा सरकार के सांडों पे रोक लगाने में कामयाब रहेगी? है कुछ उम्मीद आपको? अखिलेश जी ने ऐसा कुछ कहा है कि सांड कुछ काम करेगी? सरकार रही तो हमें नहीं लगता है कि ये सांड की कोई समस्या हल होगी। नहीं, कहीं कहीं सुनने में आया है योगी जी ने, मोदी जी ने कहा है कि सांडों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, क्या अखिलेश जी ने ऐसा कुछ वादा किया है आप लोगों से? अभी तक तो नहीं कर पाए। तो फिर आप पुराने भाजपा ही रहे, फिर सपा में एकदम क्यों प्रोग्राम बना दिया आपने? ऐसा क्या हुआ आपके साथ जी? ऐसा क्या हो गया जो भाजपा में थे आप एकदम सपा में पहुंच गए? हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के क्रियाकलापों से प्रभावित होकर हमने सपा में आने का मन बनाया। अच्छा, मानी क्या नाम, अखिलेश जी से आप प्रभावित हुए? किन मुद्दों को लेकर आपने सपा ज्वाइन की है, ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो उन्होंने 108, 102, 100 और 100 नंबर? नहीं तो 108, 102 तो 17 में भी चल रही थी, जब आपने 17 में भाजपा को सपोर्ट की थी, किया था जी? नहीं, उससे पहले ये अखिलेश यादव की ही देन है जो ये 108 और 100 ये। नहीं तो देन थी तो फिर आप 17 में क्यों सपा छोड़ी, भाजपा में गए और अब आप उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर वापस जा रहे हैं? उनकी भैया सबसे बड़ी समस्या सांड है, आवारा पशुओं को लेकर ही आप जो है नाराज हैं जी? आवारा, ठीक है। जो मतदान है, चुनाव होना है, मुद्दे को लेकर आपकी आप लोग जो मतदान करना चाह रहे हैं? साइकिल देंगे, साइकिल को ही देंगे। अच्छे बातें भी किए अखिलेश। अच्छा, भाजपा या बसपा या कांग्रेस? नहीं, साइकिल, साइकिल को ही, मतलब पूरा मुद्द बना लिए। और भी लोग हैं बाकायदा, उनसे बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर, किस मुद्दे पर आपकी वोट चाहिए? नई सरकार बनाना, नई सरकार बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। क्या अखिलेश ने वादे किए हैं लोगों को बताएं? वो वादे किए हैं, पूरे करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। लोग अपनी बात रख रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है? क्या कल मतदान होना है, क्या सोचे हैं आपकी बार किसकी सरकार? तो क्या अखिलेश ने ऐसे कौन से वादे किए हैं जिसको लेकर जनाधार जुड़ रहा है, बराबर लोग जुड़ रहे हैं उनसे? किसान, शिक्षा, बेरोजगारी। और बसपा या भाजपा या कांग्रेस? नहीं नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, दिख नहीं रहा कहीं पे कुछ नहीं उनका। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? आशीष चतुर्वेदी। क्या आशीष जी, आपकी जो कल मतदान होना है, क्या विचार है आपकी, किन मुद्दों पर लेकर आप लोग वोट करेंगे? साइकिल, विनय तिवारी जिंदाबाद। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आप लोग उनसे जुड़े हैं? वो एक तो साफ स्वच्छ ईमानदार छवि आदमी है, हमारे भाईचारे जैसे रहते हैं, और बिल्कुल हम परिवार जैसे उनके संबंध में, हमारे उनके लोगों के संबंध में। बिल्कुल इनको जो है विनय तिवारी का चेहरा अच्छा है, लोग उनसे वो सामाजिक व्यक्ति बता रहे हैं कि उनके साथ वो लेकर लोग जुड़ रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, सम्भ्रांत लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कपिल त्रिवेदी, एडवोकेट। त्रिवेदी जी, क्या जो कल मतदान होना है आपके विधानसभा में, क्या विचार है आपकी, क्या किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे? ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे होने जा रहा है। भाजपा ने 15 रुपये गल्ला दिया और प्रचार ढूंढा पीटा 15 करोड़ का, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसके पहले सरकारें गल्ला देती थी, 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूँ मिलता था, तो एक आदमी 5 किलो गल्ला मिला, 15 रुपए गल्ला, प्रचार हुआ 15 करोड़ का। इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और एक बात बता दें कि 2014 के पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम को नहीं जाता, क्या शब्द होता है, जब से भाजपा सरकार आई तब से हिंदू मिलन होना शुरू हो गया। भाजपा कह रही कि हम 300 पार जाएंगे, और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई ऐसा दिख रहा है वोट होगी, या विकास के मुद्दे पर ही वोट होगी? अब आपको 300 पार की बात बताएं, आपने मीडिया पे देखा होगा, हर रोज भाजपा का विधायक दौड़ाया जा रहा, मारा जा रहा है। उनके 300 पार का विधायक आने होते तो विधायक मारे नहीं जाते, क्षेत्र नहीं घुस पा रहे हैं कहीं, इनका कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अरविंद गिरी हैं आपकी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं, और भी प्रत्याशी? अरविंद गिरी के बारे में सर्व विदित है कि गोला में हर जगह पे, चाहे गौशाला हो चाहे सतौती, हर जगह कब्जा उनके द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, अपनी बात रखी, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे।
क्या नाम है आपका? जी मुखबर खान जी, कल मतदान होना है आपके विधानसभा में, क्या सोचे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है कल मतदान करेंगे आप? देखो महंगाई मुद्दा है और आवारा पशु भी मुद्दा है लोगों का, तो और भी लोग हैं सभी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव वर्मा। वर्मा जी, क्या कल मतदान होना है, क्या विचार है, किन मुद्दों पर आपकी मतदान करेंगे आप लोग, और किसका चेहरा पसंद है, कौन मुख्यमंत्री आना देखना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं अखिलेश के, क्यों जनाधार जुड़ रहा है, लोग उनसे बाकायदा जुड़ रहे हैं, अखिलेश के वादे या क्या है ऐसा जो लोग जुड़ रहे हैं? उनके जो वादे हैं वो पूरे पक्के होते हैं। क्या वादे हैं कुछ? अरे कोई भी सिंचाई करे फ्री थी, बहुत अच्छे वादे थे जो वादे किए हैं, उनको लेकर लोग जुड़ रहे हैं। और भी युवा हैं हमारे साथ, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? त्रिवेदी। क्या त्रिवेदी जी, क्या आपकी किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? हेलो, बेरोजगारी और किसानी से संबंधित बात हो रही है और महंगाई का मुद्दा है, आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, और भी लोग हैं सभी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा। मिश्रा जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी मतदान में? बहुत कुछ मुद्दे हैं भाई, हम तो धान बेचने गए, वहाँ धान 900 रुपये मांगा गया, बता रहे 1700 रुपये में बिक रहा है। हम तो वहाँ सोचा कि इसको लौट दें, लेकिन 900 रुपये बेच दिया, भाड़ा तो निकालना ही निकालना भैया। तो बाकी मुद्दों पर मतदान करेंगे आपकी, कौन 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 से ऐसे मुद्दे हैं? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अनाज घोटाला हुआ है खरीदारी में, उस वो भी मुद्दे हैं किसानों के, उस पर भी लोग विचार करके वोट करेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या मुद्दे हैं आपकी आपकी बार चुनाव गन्ने को तरीके से मन बनाए? क्या ऐसा हुआ है, भाजपा तो कह रही 300 पार जाएंगे, 300 पार तो नहीं जी है, बात चली गई है 3। पूरी तरीके से जो किसान है नाराज है, और भी मुद्दे हैं, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। उस्मान खान जी, क्या आपकी कल मतदान है, क्या सोचे हैं? सपा का जिताएंगे मतदान, जो है जो है बीजेपी सरकार जो है जात बिरादरी लेकर चल जा। आप लोग भाजपा है वो जातवाद को लेकर बातें करती है, आप लोग विकास को लेकर ही वो मतदान करेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। एक लोग गन्ना भुगतान ना हुआ, गन्ना भुगतान नहीं हुआ। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है? बोल दो। और भी लोग हैं, देखिए किसान है, गन्ना लेकर आए हैं यहाँ कोलू पे बेचने के लिए, आइए उनसे भी बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? दराज से आए हैं। क्या आपकी बार कल जो मतदान होना है, क्या सोचे हैं आप लोग? सपा को सपा को वोट देंगे। क्यों, क्या क्या ऐसी नाराजगी है मौजूदा पार्टी से, या क्या नाराजगी है लोगों से? देखिए पूरी तरह किसान नाराज है, महंगाई को लेकर नाराज है किसान, में डीजल महंगा है, खाद महंगी है, लोग भी मौजूद हैं इधर कैमरा में से चाहेंगे दिखाएं, लोग भीड़ है कि देखिए पूरी तरह लोगों ने अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है कि क्या करेंगे अब की बार। कल मतदान होना है लखीमपुर खीरी में, चौथे चरण का मतदान है लखीमपुर खीरी से। धीरज तिवारी, प्राइम टीवी, कैमरामैन मंजीत वर्मा के साथ। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में, या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।